नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। विश्वदीप पब्लिक स्कूल दुर्ग में जिला शिक्षा विभाग द्वारा आपको बता दें कि आयोजित जिला स्तरीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों के लगभग 150 बच्चे समर कैंप में अत्यंत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद से गायन, वादन, नृत्य, रंगोली, मेहंदी तथा शतरंज और कैरम खेल व अन्य गतिविधियों का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप को सफल बनाने के लिए संकुल समन्वयकों तथा शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना प्रेक्षक की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है, इसीलिए सभी की नजर मतगणना प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। महासमुंद जिले में RDSS योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी को रोकने व सरप्लस विद्युत आपूर्ति के लिए एल्यूमिनियम तार को हटाकर केबल वायर लगाया जा रहा है। वहीं फीडर, अग्निकेशन व पंप लाइन को अलग करने का काम भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस काम के लिए CSPDL कार्यालय के RDSS शाखा महासमुंद की ओर से जिले में 119 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। सीधी कॉन्ट्रेक्टर्स के ऊपर ही रहेगा। अगर गुणवत्तापूर्ण पूर्वक अगर काम करते हैं तो सीधा सीधा उसको पेनाल्टी लगाई जाएगी और उस काम को अब रोका जाएगा। इसके लिए क्या है, हमने साफ साफ जो REC के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही हमने काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है और उनके एग्रीमेंट में भी ये चीज़ें लिखी हुई गई हैं। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते, इसको जो मॉनिटरिंग करेंगे सेंट्रल टीम भी एक बार आकर के मॉनिटर करती है। महासमुंद शहर में गत दिनों प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या की वारदात में गिरफ्तार ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी की निशानदेही पर गुमशुदा यूपेश चंद्राकर का शव लोहानी बिल्डिंग में उसके घर की किचन में खोदे गए 4 फीट गहरे गड्ढे से बरामद कर लिया गया। हत्यारे मुकुंद ने सूद छिपाने के लिए शव को प्लास्टिक लेयर से टेपिंग कर दफनाया और शव के ऊपर फर्सी पत्थर रखकर फ्लोरिंग भी कर दी। पुलिस ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफनाए गए शव को निकाला। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को शव का पता चला। मृतक ग्राम बिरकोनी निवासी यूपेश चंद्राकर फर्शी पत्थर का काम करता था। हुआ था यूपेश चंद्राकर के नाम से, जिसके जांच के दौरान ये पता चला कि मुकुंद त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ क्लब पारा में रहता था, उसके किराए के मकान के बगल में, उससे उसका कुछ विवाद था, जिस विवाद के कारण ये इसने इस घटना को अंजाम दिया। जब इसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो इसने अपना अपराध कबूल किया और इसके निशानदेही पर हमने लोहानी बिल्डिंग ललवानी गली में जाकर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ शव खनन करवाया, जिसमें हमको लाश बरामद हुआ। ग्राम बिरकोनी महासमुंद का रहने वाला हूँ। मृतक क्या लगता है? यूपेश चंद्राकर मेरे भाई है। अभी शाम को फोन आया था थाने से कि कुछ संदिग्ध बॉडी मिले घर के। एक्चुअली भैया लापता थे दिसंबर से, तो अभी शाम को फोन आया था मैम का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशानुसार जिले के थाना चौकियों में आबकारी एक्ट के तहत दर्ज 1001 प्रकरण में जब्त शुदा शराब को नष्ट किया गया। सभी मामलों में जब्त शराब सत्यापन करने के बाद पुलिस सहायता केंद्र लाहौद में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। गौ तस्करों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बजरंग दल दुर्ग जिलाधीश परिसर पहुंचे। जिले में हो रहे गौ तस्करी के खिलाफ और व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए बजरंग दल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर विभाग सह संयोजक बजरंग दल कुशल तिवारी ने कहा कि लगातार गाय भैंसों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, किंतु गौ तस्कर कानून से बचकर निकलते जा रहे हैं।
ये बजरंग दल से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल और ये आपस में मिलके गौ सेवक संघ के लोग जो है आए थे यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। इनकी मांग थी कि जो गौ तस्कर पकड़ा रहे हैं उनको जल्दी जमानत मिल जा रही है, लेकिन अब ये जो है तकनीकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के फैसले पर आधारित होता है किसी को जमानत देना ना देना। पुलिस की कार्रवाई होती है, वो संबंधित धाराओं में ही पुलिस कार्रवाई उस पर कर पाती है, लेकिन फिर भी पुलिस इसमें, उनकी मांग थी कि जो भी अभी तस्कर पकड़ा रहे हैं उनकी जल्द से जल्द उनके जो नेक्सेस को पकड़ा जाए, जो मेन जो है हेड जो है उनके तरफ पुलिस कार्रवाई करे। तो इसके संबंध में पुलिस अभी कार्रवाई कर रही, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी हम लोग को लगी है, हम आगे इस पर बढ़ रहे हैं धीरे से। इस पर सभी अधिनियम के तहत धारा लगाना चाहिए था, पर धारा पुलिस वाले लोग लगाए नहीं है। पर छोटे छोटे धारा लगाए थे, 420 धारा लगना चाहिए था, वो धारा लगा नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, पेपर वो लोग नकली पेश किए थे वहाँ पर पकड़ाने के बाद में। उसके बाद हुआ क्या है, उनको 10 दिन के अंदर किसको मतलब बेल मिल जाती भाई, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग भी। कम से कम 25 दिन में चालान पेश होता कोर्ट में, और 25 दिन के बाद अगर कोर्ट में चालान पेश होगा तब जमानत होता है, समझ में आता कहानी। लेकिन 10 दिन के अंतर्गत ही नहीं कुछ जमानत मिल गई, ये मामला कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। इसी कारण से हम लोग दूर कलेक्टर में आए हैं घेराव करने के लिए, और कलेक्टर सर से हमारा एक निवेदन है कि जिनका जमानत अभी हुआ है झन्नूगिरी गोस्वामी का, उनका जमानत रद्द कर उनको दोबारा जेल। कांकेर जिले के पखानजूर अनुविभाग के बांदे थाना क्षेत्र के बांदे कॉलोनी में भानु प्रतापपुर और पखानजूर आबकारी विभाग के दोनों दारोगा के ऊपर नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है आबकारी विभाग के दारोगाओं ने वीडियो बना रही नाबालिग लड़की के साथ हाथापाई करते हुए मोबाइल छीन लिया। हालांकि एवन टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रकार के जो कृत्य पिछले कल हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना की हम निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे इस सरकार में ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर, उनको तो जेल के सलाखों पर होना चाहिए अब तक। और हम उसी के लिए ही आज बांदे थाना में पहुंचे हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द ऐसे जो दोषी अधिकारी है वो जेल के सलाखों में होगी। इसके अलावा उनका नौकरी से संबंधित जो भी अनियमितता है वो सामने आए हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरी अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर बिलासपुर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को विधानसभा क्षेत्र में जल संकट, सड़क समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। का समस्या है और सड़क की संबंधी समस्या है और जो ग्राम कौड़िया में जो नहर है जो उसमें एनटीपीसी द्वारा प्रभावित गांव है, ये सारी समस्या को लेकर हम यहां आज कलेक्टेड आए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो पेयजल का समस्या गहराते जा रहा है। कई गांव तो ड्राई भी गांव है और जो हैंडपम्प जो सूखा हुआ है उसमें नया रख रखाव, नया मशीन डालने की भी जरूरत है। खबर भिलाई से है, जहां प्रदेश कार्य समिति सदस्य जलापू भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रशम दत्ता ने भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में हादसे रोकने के लिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को आवेदन दिया है। आपको बता दें कि भिलाई दुर्ग समेत जिले भर में लगातार हादसे हो रहे हैं, इन हादसों में लोगों की जान जा रही है। आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा देश से आरक्षण खत्म कर देगी। उनके इस झूठ को आदिवासी समाज समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संविधान को बदलने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग, जातियों के आरक्षण को खत्म करके किस समुदाय के लोगों को इसका लाभ देने का कार्य कर रही थी। ये कांग्रेस पार्टी के लोग केवल मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इन कांग्रेसियों ने केवल एक ही समुदाय का विकास किया है, बाकी समुदाय को गर्त में धकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है।
उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है, पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार हार के उनकी मानसिक स्थिति मानसिक। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक नीनू इंटियरा ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 1988 बैच की भारतीय रेल परिचालन सेवा IRTS के अधिकारी इटियरा इससे पहले भी दक्षिण रेलवे चेन्नई में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। वे दक्षिण रेलवे में प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के पद पर भी रह चुकी है। बलरामपुर रामानुजगंज में बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत किस प्रकार से जानलेवा साबित हो रही है, ये ग्राम मितगई में हुई दुर्घटना को देखकर समझ सकते हैं, जहां मोबाइल देखने और बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के चलते 12 वर्ष का बच्चा इतना उग्र हो गया कि वह कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके फंदा लगाकर लटक गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस ने मर कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया, जहां पर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना की सूचना पर जिला पंचायत के सभापति राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे। देश में मॉनसून का आगमन हो गया है, लेकिन अभी मॉनसून को छत्तीसगढ़ पहुंचने में लगभग 15 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में मॉनसून की बरसात से निपटने के लिए बिलासपुर नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम की ठीक करने का काम शुरू किया है, लेकिन कछुआ गति से चलते काम को देखकर शहर की जनता अभी भी नाखुश नजर आ रही है। बता दें कि जरा सी पानी गिरने के बाद ही शहर के पौश और महत्वपूर्ण इलाके जलमग्न हो जाते हैं। जो सिटी के ओल्ड एरियाज हैं, जो कोर एरिया हैं, जो कि थोड़ा डाउन स्ट्रीम पे हो गए हैं, वहाँ पे बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बनती है, स्पेशली ओल्ड बस स्टैंड और उसके नियर बाई एरियाज जो है वहाँ पे रहती है। इसके लिए बहुत बड़ा जो प्लान है वो कश्यप नाला बनाया जा रहा है और लगभग वो पूर्णता की स्थिति में भी है, जो डायरेक्टली ओल्ड बस स्टैंड से इसको ज्वाली नाला में कनेक्ट करेगा। और वो अभी तक का मैं बोलूँ तो शहर का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा नाला है, जो कैरिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नाला हैं, जो नालियाँ हैं, उसको हम साफ सफाई का एक महाअभियान चला के सबको क्लियर करवा लिए हैं। और ऐसे हमने लगभग हमारे यहाँ 112 जो है नालाएँ चिन्हांकित की थी, जिसका साफ सफाई लगभग पूर्ण करा लिया गया है। देखिए, बिलासपुर में जल भराव की समस्या काफ़ी वर्षों से होते आ रही है, सरकारें बदलती रही है लेकिन समस्या जस की तस रही है, चाहे कोई भी हो, इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि हर बार हर साल जो है बरसात के पहले नगर निगम जो है नालियां चौड़ी करती है, उन्हीं नालियों को तोड़कर फिर से बनाती है, लेकिन समस्या में अभी तक कोई सुधार नहीं आ पाया, समाधान नहीं हो पाया। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पे नालियों को तोड़ करके बड़े नाले का स्वरूप दिया जा रहा है, हालांकि हो सकता है कि इससे इस बार जल भराव की स्थिति में कुछ कमी आ सके, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, निर्माण जिस तरह से हो रहा है, जितनी धीमी गति से हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि बरसात तक ये सब चीज़ें हो पाएगी और इस साल भी पानी से जो है, जल भराव से जो है, निजात मिल सकती है।